करने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल जो हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं वो महिलाओं के बुनियादी हक यानी कि बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। सबरीमाला मंदिर के मामले में पुनर्विचार की बात पर एक बार फिर से जोर क्यों डाला जा रहा है? क्यों संघ परिवार समर्थित तमाम संगठन, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ कांग्रेस ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार किया जाए? केरल में बीजेपी और कांग्रेस क्यों कर रही है इस फैसले का विरोध, जबकि केंद्रीय कांग्रेस और बीजेपी इस फैसले का कर रहे हैं समर्थन? आखिरकार क्या है ये राजनीति? इसके साथ साथ हम ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे 2016 में संघ का बयान महिलाओं के मंदिर के प्रवेश को लेकर कुछ और था और आरएसएस का बयान अब कुछ और आता दिखाई दे रहा है। भैया जी जोशी ने जिस तरीके से अब 2 साल के भीतर अपने बयान बदले हैं, ये प्रस्तुत करता है कि आज महिलाओं के अधिकार पर परंपराएं किस तरीके से भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं। तो ये बुनियादी सवाल जिसे लेकर आज हम उपस्थित हैं। हम सब बात करते हैं कि कैसे हिंदू देवी देवताओं के मान्यताओं के साथ साथ महिलाओं और पुरुषों के अधिकार बराबर हैं। महिलाएं हमारे देश में देवी समान है, लेकिन जैसे ही अधिकार देने की बात आती है हम महिलाओं को देवी के पदवी से उतारने में 2 सेकंड भी लगाना प्रस्तुत नहीं करते हैं। और तमाम राजनीतिक पार्टियों का दोहरा चरित्र स्पष्ट सामने आ रहा है। और यह बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों ने सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को जो मान्यता दी गई थी उसका पूर्ण जोर स्वागत किया था। लेकिन अब केरल में इन्हीं पार्टियों की इकाई, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हर कोई कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह हिंदू धर्म की अवमानना है। यह है हमारे राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। गीता भट्ट जी आरएसएस से, पंडित अजय गौतम जी, इंदिरा तिवारी जी, यति मां चेतनंद सरस्वती जी, त्रिकाल भवंता जी और रेखा अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले पंडित अजय गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये किस आधार पर अब कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म की अवमानना हो रही है और महिलाओं के प्रवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए? कौन सी अवमानना हो रही है अब? देखिए, बात यह है जब पॉलिटिकल पैरालिसिस होता है तो उस टाइम में अल्ट्रा जुडिशियल एक्टिविज्म सामने आ जाता है। और जो कुछ हम देख रहे हैं, चाहे वो एडल्ट्री लॉ की बात हो या वो 377 पीनल कोड को डिक्रिमिनलाइज करने की बात हो या अब सबरीमला टेंपल के ऊपर ये अनाज जो ट्रेसपासिंग की बात हो, इसे में हमारे जो रिलीजियस राइट्स है ये ट्रेसपासिंग, महिलाएं अगर मंदिर में जाती हैं तो ये ट्रेसपासिंग है। अजय जी, अलाउ मी टू कंप्लीट माय सबमिशन। नहीं नहीं, आपने ट्रेसपासिंग, मैंने इसीलिए बोल रहा हूं सर, मुझे ये समझना जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं सर, हमारे यहां 20 लाख रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े मंदिर आप गिन लीजिए जिसमें माता वैष्णो देवी का मंदिर है, मुझे हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है। सबरीमला महिलाओं के प्रवेश पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से 4 वेन के आधार पर कहा मुझे कि किसी भी तरीके से ये जायज नहीं है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है, आप उसे जायज कैसे ठहरा सकते हैं? मुझे बता दीजिए, मैं इसमें लीगल आर्गुमेंट अभी नहीं ला रहा सर, लीगल आर्गुमेंट मैं लाऊंगा तो 30 सेकंड में सब एक्सपोज हो जाएगा। मैं लीगल आर्गुमेंट बाद के लिए बचा के रखा, अभी मैं रिलीजियस आर्गुमेंट पे हूँ। मेरा रिलीजियस आर्गुमेंट ये कहता है मुझे अपना मंदिर कैसे चलाना है, पूजा व्यवस्था कैसे करनी है, घंटा घड़ियाल प्रसाद कैसे करना है, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है, यह काम तय करना हमारे धर्माचार्यों का काम है, हमारे शंकराचार्यों का काम है। मैं अगर किस तरह से सप्तपदी कराऊंगा, किस तरीके से लाजा होम कराऊंगा, किस तरह से उसके बाद भवंता जी, यह तय करना त्रिकाल भवंता जी नहीं है। महिलाओं के अधिकारों का हनन क्या धर्म का हवाला देकर बार बार पुरुष समाज करता रहा है? त्रिकाल भवंता जी, निश्चित रूप से ये जो हमारे तथाकथित धर्माचार्य हैं, पुरुष प्रधान देश, वो महिलाओं के अधिकारों का हनन बराबर करते चले आ रहे हैं और करना चाह रहे हैं। ये लोग कहीं नहीं ये देख रहे हैं, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य को भी ले लिया जाए तो मृत्यु से, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी 16 संस्कार हैं वो सभी महिलाओं को कराने का
अधिकार है, करने का अधिकार है और इनके मौलिक अधिकारों को किसी का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। गार्गी ने राजा जनक के साथ जो जो है वो क्या कह रहे उनके साथ उनका साथ साक्षात्कार हुआ था, उनका शास्त्रार्थ हुआ था गार्गी का, किसी ने नहीं रोका, आज भी पूरा सम्मान है। मंदिर में प्रवेश पर रोक क्यों आ जाएगा? सर मुझे मंदिर कोई पब्लिक, मुझे बताइए क्या द्वादश ज्योतिर्लिंग में कई महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? द्वादश ज्योतिर्लिंग में कहीं है, काशी विश्वनाथ में है, माता वैष्णो देवी में है, शिरडी के अंदर है, कोई टेम्पल तो बता दीजिए। मैं कहता हूँ सात सात मंदिर ऐसे जहाँ पुरुषों का प्रवेश वर्जित है और तीन उसमें से आसाम में, आसाम के बापटा में देख। मैं आप दोनों को यहाँ पर जरा एक मिनट बीच में रोकता हूँ, मैं आप दोनों को एक मिनट बीच में यहाँ रोकता हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं आप दोनों को यहाँ बीच में एक मिनट रोकता हूँ। उसमें कोई शक नहीं है कि महिलाओं के अधिकार का हनन है, लेकिन गीता भट्ट जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ कि संघ परिवार और खास करके आरएसएस में भैया जी जोशी ने 2016 में दिया अपने बयान को कल पलट दिया? क्या बदल गया 2 साल में कि सबरीमला में पहले प्रवेश की पैरोकारी संघ ने की और आज संघ उससे मुकर रहा है? देखिए अजय जी, पहले तो स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि संघ ने कभी भी मुकरा नहीं है। जो बात पहले कही गई थी भैया जी जोशी ने वही बात कही, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ चीज और जोड़ दी है और उसके जोड़ने का एक कारण रहा। उसका कारण ये रहा कि जब ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया तो उसका सम्मान करने की आवश्यकता है, लेकिन उसको देख उस निर्णय के ऊपर जो प्रतिक्रिया जो वहाँ का स्थानीय समाज है, जो वहाँ जाता है पूजा अर्पणा करता है, आप और मैं तो वहाँ जाके पूजा अर्पणा नहीं करते, लेकिन जो स्थानीय महिलाएं हैं जो वहाँ जाके पूजा पाठ करने कर सकती है, जिनके लिए ये निर्णय लाया गया, उनकी जो प्रतिक्रिया है, जिस तरह से आज वो सड़कों पर उतरी हैं, जो इसका विरोध कर रही हैं, गीता जी, तो उस गीता जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं और मैं शब्दशः वो बयान आपके सामने अभी रख रहा हूं जो भैया जी जोशी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। उनका ये कहना है कि परंपरा के बलपूर्वक तोड़ने के खिलाफ स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, आध्यात्मिक और सामाजिक नेताओं से अपील है कि सभी लोग साथ आए इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ न्यायिक सहित तमाम विकल्पों पर विचार करें। यह भैया जी जोशी का कल का बयान है और मैं आपको उनके पहले का बयान पढ़कर बताता हूं। जी हां, उन्होंने कहा था कि समाज में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर रूढ़िवाद की वजह से महिलाओं के प्रवेश वर्जित हैं। हमें लोगों को समझाकर ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिसमें संघ परिवार फैसिलिटेटर यानी कि माध्यम बनना चाहेगा ताकि महिलाओं को उन मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिले। बताइए ये दो बयान अपने आप में विरोधाभास प्रकट करते हैं कि नहीं? अजय जी देखिए देखिए अजय जी, संघ ने हमेशा ही महिलाओं के सशक्तिकरण के हमेशा समर्थन किया है और उसके लिए कार्य भी किया और उनकी सामाजिक स्वतंत्रता का भी हमेशा से, धार्मिक स्वतंत्रता का हमेशा से समर्थन किया है। लेकिन सिर्फ कहने की ये मुद्दा यहाँ क्यों उठा, वो इसलिए उठा क्योंकि आप देखिए, एक उदाहरण के लिए अभी कुछ ही समय पहले तमिलनाडु में जलीकट्टू के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, लेकिन वहाँ तमिलनाडु के समाज ने वहाँ के जनमानस की क्या प्रतिक्रिया करी, मरीना बीच में लाखों लोग किस तरह से प्रदर्शन करने लगे और कहने लगे हमारी परंपरा। सवाल पूछना चाहेंगे तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। जो वहां का स्थानीय समाज गीता जी, है गीता जी, उसका जो शनि शिंगापुर मंदिर में भी इसी तरीके से महिला के प्रवेश पर विरोध था, उसे भी फैसिलिटेट किया गया। हाजी अली दरगाह में भी महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, उस पर भी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया गया। आज संघ परिवार का यह दोहरा वक्तव्य क्यों सामने आ रहा है? अगर यह दोहरापन नहीं है तो क्या है? दरगाह पे प्रवेश पे सिर्फ 2011 से रोक लगी थी, उसमें एक फर्क है अजय जी। शनि शिंगापुर की बात क्या कहेंगे? हाजी अली में जो महिलाओं के वहां अंदर जाने पे जो रोक थी वो 2011 से लगी थी, पहले से नहीं लगी थी। शनि शिंगापुर महिला के पक्ष में है, आप महिला सम्मान के पक्ष में है? गीता जी आप महिला सम्मान के पक्ष में है या महिला सम्मान के विरुद्ध में है, पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है। देखिए मुझे पूरा करने दीजिए, आपको बोलना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे को सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप किस सनातन धर्म की वकालत कर रही हैं? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, किस सनातन धर्म की वकालत कर रही हैं? वेद वेदांग की वकालत कर रही हैं जिसके पुरोधा आदि शंकराचार्य थे, या आप आरएसएस की वकालत कर रही हैं जो कभी भी अपना रंग बदल सकता है कायराना एक हरकत की तरह से? आप दोनों तरह से सनातन धर्म का अपमान कर रही हैं।
मंदिर सार्वभौम सत्ता का परिचायक होता है और सार्वभौम सत्ता ईश्वर का अपना प्रतिनिधित्व करती है। उस सार्वभौम सत्ता पर महिला के प्रवेश पर वर्जना, इससे बड़ा कोई अपराध, तालिबाना अपराध और आतंक हो नहीं सकता। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये सराहनीय है, ये साधुवाद का पात्र है। मैं एक स्पर्श थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा मुलायम करूंगी अजय जी। जी न्यूज़ नेशन मंगल गौरी धरती अंबर सजाओरी, आज महिला को मिला है प्रवेश। आप अब महिला का अपमान करती हैं, तो ये परंपरा के नाम पर विरोध सदियों से चलता आया। आदि शरण का जवाब सुन लेते हैं। क्योंकि उनकी माता को दाह संस्कार करने के लिए इसी केरल की भूमि से तथा कथित अब आप पाखंडी श्राप केरल आज तक भुगत रहा है और सबसे पहला वो केरल प्रांत था जिसमें की इस्लामी जवाब दे प्लीज। यदि बात ये अगर वहाँ की जो आप मुझे मेरा एक प्रश्न ये है आपसे, मैं दो बातें कहना चाहूंगी, मैं दो बातें इंदिरा जी कहना चाहूंगी यहाँ। पहली बात मेरी ये है कि अगर वहाँ की स्थानीय महिलाएं इसके विरोध में खड़ी हैं तो आप क्या कहेंगी? आप क्या अगर वो वहाँ स्थानीय महिलाएं अगर इस निर्णय का विरोध कर रही हैं तो क्या आप उसे धिक्कारेंगे? आप मुझे ये बताइए, क्या आप उन महिलाओं को धिक्कारेंगे? दूसरी बात, ये याचिका जो सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल करी गई अजय जी, ये किसने दाखिल करी आप ये बताइए मुझे? इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने। लेकिन कौन है वो व्यक्ति विशेष, कौन है जिन्होंने इस याचिका को दायर किया? नौशाद अहमद खान नाम के व्यक्ति है जिन्होंने इस याचिका को दायर किया। गीता जी बात कीजिएगा, गीता जी ये कहीं से ना, क्षमा चाहता हूँ गीता जी, मैं क्षमा चाहता हूँ गीता जी, इसे कुतर्क कहा जाएगा। मैं बहुत मैं अदब से आपसे क्षमा चाहता हूँ, इसे कुतर्क कहा जाएगा क्योंकि याचिका जो दाखिल की गई थी पहले उस ना मैं क्षमा चाहता हूँ, ना आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन याचिका एक मुसलमान ने रखी ये कहकर आप इस मामले को डाइल्यूट मत कीजिए, इसे हिंदू मुसलमान मत बनाइए, या महिलाओं के अधिकार का मामला। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन लेकिन यहाँ पर केरल कभी गए नहीं, चेतन मैं यहाँ पर चेतन सरस्वती अजय गौतम जी, अगर ऐसा था तो इसके बारे में आज तक किसी ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? जब फैसला सामने आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर दोहरा चरित्र अपना सामने रखा, तब जाकर संघ का बयान सामने क्यों आ रहा है? क्या संघ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कवर करने के लिए बना है? नहीं, संघ एक दोहरा व्यक्तित्व है और कायर है। देखिए, जब भी न्यायालय में कोई चीज सब जुडिस होती है उसके निर्णय आने का जो है एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री एफिडेविट इसलिए कोर्ट में फाइल किया जाता है और ये मामला यंग लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा पहले हाईकोर्ट में और उसके बाद इंदिरा जी खैर आइए इंदिरा जी एक मिनट मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज आइए जरा बहस एक बार फिर वापस लौटते हैं। चेतन जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप कहाँ खड़ी हैं? प्लीज इंदिरा जी एक प्लीज गीता जी आग्रह है, प्लीज आप सामंजस्य करने की गीता जी आग्रह है, प्लीज एक मिनट ये बताइए चेतनंद सरस्वती जी आप कहाँ खड़ी हैं इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से इंदु मल्होत्रा ने धर्म की आत्मा को समझा, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इंदु मल्होत्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि 370 साल में भी कहा कि इतिहास माफी मांगे, तब इंदु मल्होत्रा को आपने क्यों भर्त्सना की? इंदिरा जी या तो आप बोल लीजिए या फिर मैं बोल लेती हूँ। अभी आप इंदु मल्होत्रा, अगर हम धर्म अपनी बात रखें, न्यायिक व्यवस्था को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्म आत्मा है सनातन की,
और वहाँ हजारों महिलाएं सड़कों पर हैं अपने धर्मों के अधिकार को लेकर। मैं एक एडवोकेट रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो PIL दाखिल हुई वो उन लोगों की तरफ से दाखिल नहीं हुई जिन लोगों को वास्तविक वहाँ अधिकार देने थे। जब वो लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार महिलाएं सड़कों पर हैं और वो ये कह रही है कि हम वेट कर सकते हैं। हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी मौजूद है, वरिष्ठ वकील है रेखा अग्रवाल जी। एक मिनट इंदिरा जी, मंदिर प्लीज एक मिनट, मैं जरा यहाँ पर अभी रेखा अग्रवाल जी को लाऊं। वरिष्ठ वकील है रेखा अग्रवाल जी। चार जज एक तरफ, इंदु मल्होत्रा जी एक तरफ थी और उसके बाद सबरीमाला का ये ऐतिहासिक फैसला सामने आया है जिसे लेकर अब राजनीतिक दल एक दोहरा मापदंड रख रहे हैं। केंद्रीय राजनीति में सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं जी। लेकिन केरल में कांग्रेस हो चाहे BJP हो, यहां तक कि अब संघ परिवार ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है कि इस पर पुनर्विचार याचिका होनी चाहिए। और केरल सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमली जामा पहना रही है इसलिए केरल सरकार का विरोध भी हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या यह फैसला वाकई में महिला विरोधी है जिस तरीके, और क्या वाकई में धर्म पर किसी का एकाधिकार है? अगर ऐसा था तो फिर ट्रिपल तलाक पर भी सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप देने का कोई अधिकार नहीं था। देखिए बहुत जो अभी अजय जी जो अभी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐतिहासिक फैसला मैं मानती हूँ इसके अंदर। और मुझे ये समझ नहीं आती कि इसके अंदर कोई भी राजनीतिक जो दल है वो इसके अंदर डबल बात क्यों कर रहे हैं। इसके अंदर ये कोई एक राजनीतिक मामला नहीं है, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का मामला है। इसमें किसी धर्म का मामला नहीं है। जिस तरीके से आपने भी ट्रिपल तलाक वाली जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट का उसका भी आपने हवाला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भले वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या केरला का मामला हो, सिर्फ इस बात को देखा कि क्या जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे संविधान के अंदर दिए हुए हैं कहीं पर, भले वो ट्रिपल तलाक हो, भले वो सबरीमाला मंदिर हो, अगर वहाँ पे जो प्रथाएं चलती आ रही हैं क्या वो संविधान के खिलाफ तो नहीं जा रही। एक सिंपल सी बात जो थी सुप्रीम कोर्ट का उसका फैसला करना था। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों के अंदर बहुत स्पष्ट ये किया है कि भले आपका ये संविधानिक अधिकार है कि आप अपने जो भी चाहते हैं अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसके धर्म के अंदर जो भी प्रथाएं जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, परंतु अगर उसमें से कोई भी ऐसी प्रथा है जो संविधानिक नहीं है, असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर दखलअंदाजी कर सकती है। ट्रिपल तलाक के मामले में भी यही किया गया था कि जहाँ पर आपको ये इजाज़त है कि आप अपना पर्सनल कानून है उसको, जो मुसलमान भाई है हमारे अपना पर्सनल कानून है, अपना पर्सनल लॉ है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके तहत तो तलाक भी दे सकते हैं। ये कहीं नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, सिर्फ ये कहा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता कि एक ही जुबान के अंदर आप तलाक तलाक कह के एक बेजुबान महिला को आप एक सजा नहीं दे सकते। उसी तरीके से अभी जो सबरीमाला मंदिर के अंदर भी जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है कि आप बिना सुने महिलाओं को बिना किसी वजह से आप एक तरह से सजा दे रहे हैं। और जो जो लॉजिक है आपके कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? पूरा केरल की महिलाएं विरोध कर रही हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट बताइए? सीधा महिला देवता के देवता का अपना फंडामेंटल राइट आपके सिविल राइट में भारी हो गया? नहीं नहीं बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है? कौन सा फंडामेंटल राइट बताइए? शास्त्र चलेगा, मुझे बता दीजिए कौन से, मुझे बता दीजिए कौन सा फंडामेंटल राइट। अच्छा अजय गौतम जी, सर मैंने अजय गौतम जी जजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बताइए, मैं महत्वपूर्ण हिस्सा अब आपके सामने रख रहा हूँ। बताइए बताइए। एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्रन, उन्होंने सीधे तौर पर कहा मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर बैन ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के साथ छुआछूत का मामला, अगर महिलाओं के प्रवेश का यही आधार है और उन्हें रोका जाता है क्योंकि उनका मासिक धर्म होता है और वो अपवित्र हो जाती हैं, इसी आधार पर शेड्यूल कास्ट को भी छुआछूत के आधार पर महिलाओं मंदिर से प्रवेश पर रोका जाता था,
आज आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में महिला और शेड्यूल कास्ट बराबर है? नहीं नहीं अजय जी, सनातन धर्म में, बिल्कुल सनातन धर्म में, एक मिनट निंदा जी, सनातन धर्म में महिला जिस समय रसवाला होती है, कहां लिखा है बताएं, उसका बहुत सम्मान होता है, उदाहरण दे, शास्त्र आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखी है इंदिरा जी, चितरंजन सरस्वती जी, शास्त्रों के आधार पर जरा कहीं से भी मुझे इंगित करें, कौन से वेद में, किस पुराण में, रामायण, यहाँ तक कि महाभारत में, गीता, कहाँ लिखा हुआ है कि महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं? ये कहीं नहीं, एक सेकंड, कहीं है, बताइए अजय जी, अजय जी मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी जी, प्लीज बताइए, कहीं किसी वेद में, किसी गीता में, किसी उपनिषद में कहीं भी नहीं लिखा है, कहीं कोई हवाला नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं लिखा है, महिलाएं को लेकर के इस तरह से बनाया गया है, होती है और उस पवित्र अवस्था में अपनी पूरी ऊर्जा को वो संरक्षित कर सके आगे के महीने के लिए, इसलिए उन्हें विशाल की अवस्था में लेने के लिए कहा गया है। कोई दासी नहीं है बिना पे। अच्छा चलिए अजय गौतम जी, अजय गौतम जी बताइए, चलिए प्लीज बताइए जी, बड़ा अच्छा अभी इंदिरा जी ने जो बात कही, बिल्कुल पीनल कोड में 5 सेक्शन किसके पास फालतू, महिला या पुरुष, अजय गौतम जी बहस आप नहीं चला रहे, कैसे बात चला रहा हूं बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 5 सेक्शन किसके पास फालतू, महिला के, प्लीज प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी रिजर्वेशन डाइवर्ट मत कीजिए, महिला के, अजय गौतम जी रिजर्वेशन डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे पर आइए, बताइए आपके पास जवाब नहीं है, किसके पास महिला के, सेपरेट कमीशन, अजय गौतम जी आप निरुत्तर है, मुझे संतुष्ट कीजिए, आप ट्रेसपासिंग कर रहे हो, मुझे आप स्नैचिंग कर रहे हो रिलीजियस राइट्स, प्लीज अजय गौतम जी, अजय गौतम जी आप मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे, आप मुद्दे पर बात नहीं कर पा रहे, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी आपके पास जवाब नहीं है, मेरे पास जवाब है, आप बताइए, मुझे बताइए कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है धर्म से महिलाएं पवित्र होती है, धर्म सिंधु, ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई जवाब नहीं, धार्मिक ग्रंथ नहीं है जो कहता है कि महिलाएं अपवित्र होती हैं। सबरीमला मंदिर में मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उस पर पुनर्विचार की बात क्यों जोर पकड़ रही है, क्यों सभी राजनीतिक दल दोहरा चरित्र अपनाए हुए हैं इस पूरे मामले पर, सभी राजनीतिक दल केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन राज्य स्तर पर यानी कि केरल में जाकर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हर कोई इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि स्थानीय संवेदनाओं को देखते हुए धर्म में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या वाकई में आज हमारे पूरे राजनीति का आधार दोहरा हो चुका है, और उसके साथ साथ बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा, हमारे साथ रेखा अग्रवाल जी, गीता भट्ट जी, पंडित अजय गौतम जी, इंदिरा तिवारी जी, यतिमा चिदानंद सरस्वती जी, त्रिकाल भवंता जी मौजूद हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इंदिरा तिवारी जी, मैं आपसे इस बात से शुरुआत करता हूँ, महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं और यही आधार है जिसको आधार बनाकर या इसी बात को आधार बनाकर इसका विरोध किया जाता रहा कि 10 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाएं सबरीमला मंदिर में नहीं जा सकती, महिलाएं अपवित्र हो जाती हैं, ये कैसे होता है? बिल्कुल बिल्कुल गलत, असत्य, अधर्म, तर्क संगत से बिल्कुल दूर है, न्याय के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, वेद वेदांग पुराण इत्यादि मनुस्मृति के विरुद्ध है। ये जो मासिक धर्म है, एक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, सार्वभौम सत्ता अर्थात परमात्मा की बनाई हुई कृति की, तो परमात्मा की बनाई हुई कृति में कोई राजनीतिक दल, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता वाले लोग यदि दोष देखते हैं तो उनमें खामियां हैं, उनके इलाज की जरूरत है। इस तरह के खामियों वाले सती प्रथा के विरोध में भी थे और इस तरह से रहे हैं, तो जब राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में आए, सब में विरोध आया, और रिलीजियस राइट रिलीजियस राइट्स में ट्रेसपासिंग है, जो लॉर्ड अयप्पा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो उनके लीगल राइट है, ये उसका ट्रेसपासिंग है। हमें बता दीजिए 20 लाख मंदिर है,
20 लाख मंदिरों में आपको कौन सा मंदिर में जाना वर्जित है? आपने क्यों नहीं कहा कि सातवां मंदिर जिसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है उसमें भी प्रवेश करना चाहिए? एक मंदिर आसाम के बापटा के अंदर है, एक खोजाई में है जो पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। पंडित अजय गौतम, पंडित अजय गौतम, आपको किसने रोका? पंडित अजय गौतम, पंडित अजय गौतम, अगर कोई ऐसा मंदिर है, ये मनमाना पंडित अजय गौतम, अगर प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज एक मिनट, आग्रह, आग्रह, आग्रह आप सबसे, आप दोनों से, इंदिरा जी और अजय गौतम जी प्लीज, इंदिरा जी और अजय गौतम जी प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड, प्लीज प्लीज प्लीज, इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी प्लीज, इंदिरा जी, इंदिरा जी प्लीज प्लीज प्लीज, गीता भट्ट जी, गीता भट्ट जी, एक मिनट, मैं आप दोनों से आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज, हम बहस करें तो अच्छा है, वरना हम बहस नहीं कर पाएंगे। गीता भट्ट जी प्लीज, गीता भट्ट जी जी, गीता भट्ट जी, गीता भट्ट जी जी, अजय जी मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान अयप्पा के मंदिर जो हैं वो बहुत स्थानों पे हैं केरल में, वो सिर्फ सबरीमाला में नहीं है, और जो बाकी जगह उनके मंदिर है वहाँ सभी जगह महिला पुरुष सभी जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ उनको ये माना गया कि जो सबरीमाला में मंदिर है वहाँ वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इस कारण से ये जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात बार बार बीच में लाया जा रहा है ये तथ्य ठीक नहीं है, क्योंकि जो वहाँ भगवान की स्थापना है, अरे इंदिरा जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, दूसरों को बोलने दीजिए, आया तो आप ही बोल लीजिए, इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी एक मिनट, इंदिरा जी प्लीज एक मिनट, इंदिरा जी एक मिनट, एक मिनट प्लीज, संतुष्ट नहीं है तो पहले बात तो पूरी सुन लीजिए, आइए बिल्कुल, गीता जी बताइए, गीता जी कितनी आप इंटॉलरेंस दिखाएंगी, बात दूसरी की बात तो सुन लीजिए, अच्छा इंदिरा जी प्लीज एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सुनिए पहले, ब्रह्मचर्य का जो मामला है ये कारण है कि वहाँ पे, दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी जी, दूसरी बात है आपने यहाँ तीन तलाक का मुद्दा उठाया जी, और कहा कि किया तो उस पे भी जो है निर्णय नहीं लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, तो पहले आप ये मुझे बताएं कि हमें पता है कि याचिका वहाँ किसने दायर करी थी, वहाँ की पीड़ित महिलाओं, शायरा बानो, आतिया सबरी, आफरीन रहमान जैसी महिलाएं जो खुद पीड़िताएं थी, मैं तो कहती हूँ कि ये जरूर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं हैं जो आज इस बात को उठा तो रही तो है, सबरीमाला में भी महिलाएं हैं, ये सोचना है कोर्ट में बंद करना चाहती है, सबरीमाला में इंदिरा जी, इंदिरा जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, समझ रही है गीता जी, इंदिरा जी गीता जी प्लीज एक मिनट, गीता जी आपने यहाँ पर, इंदिरा जी एक मिनट, इंदिरा जी प्लीज एक मिनट, एक मिनट, इंदिरा जी मुझे कुछ कहने का अधिकार दीजिए, इंदिरा जी, इंदिरा जी, इंदिरा जी मुझे भी कुछ कहने का अधिकार दीजिए प्लीज, एक मिनट, गीता जी मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, और आपने कहा कि किसने याचिका लगाई, जरा इस पूरे मामले को आप देखिए, हाई कोर्ट ने पहले इस मामले पर सबरीमाला कोर्ट में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को बहाल रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे, हायर बेंच ने इसे रिवर्स किया है, इस पूरे प्रकरण के दौरान, और ये मामला आज से नहीं तकरीबन 12-18 साल से चल रहा है, और इस 18 साल में आज तक किसी ने याचिकाकर्ता के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए, आज दलील ये दी जा रही है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आज जब दलील ये दी जा रही है कि इसको पलटा जाए तो याचिकाकर्ता कौन है, इसकी बात सामने आ रही है, क्या क्या मतलब है आज इसका, ये क्या है, ये राजनीति है, और ये क्या है, क्योंकि ये आवश्यक है कि जो वहाँ पूजा पद्धति को मानते हैं को कोई नहीं मानता, जिनके ऊपर लाइन कोर्ट करने की जिम्मेदारी है वो ही नहीं मानेंगे, समाज में किसी तरह की, गीता जी, गीता जी प्लीज, त्रिकाल भवंता जी आपका जवाब, इंदिरा जी, इंदिरा जी वन मिनट प्लीज, इंदिरा जी, इंदिरा जी जी प्लीज एक मिनट, इंदिरा जी, इंदिरा जी प्लीज, इंदिरा जी चुप कराए, जब ये सुनने को तैयार हो तब तो मैं बोलूं, त्रिकाल भवंता जी प्लीज आप बताइए, जवाब दीजिए आप संघ परिवार की प्रवक्ता के जो अभी बयान है उसके आधार पर, त्रिकाल भवंता जी, देखिए धर्म में कहीं भी ऐसा नहीं है कि महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से रोका जाए,
ये जो भी संघ परिवार इस तरह से दोहरी बयान दे रहे हैं ये गलत है। राजनीतिक रोटियां महिलाओं के ऊपर सेकी जा रही हैं ये गलत है। महिलाओं का अधिकार पूर्ण रूप से हर जगह हर काम महिलाओं हर क्षेत्र में महिलाएं इतनी पवित्र है। जिस वक्त अपवित्र की बात कही जा रही है उस वक्त पवित्र होती है। महिला पुरुषों का अधिकार छीन रही है की तो बहुत दूर की बात है। बता दीजिए मैं आप बताइए आपको आपको ज्ञानी है ज्ञानी है आप बता दीजिए आप भावार्थ कर दीजिए करणीयम दाचरणीयम बता दीजिए किसका वचन है। शास्त्र नहीं है तो क्या शास्त्र जो आपको सूट करे वो शास्त्र है जो आपको सूट न करे वो शास्त्र नहीं है। ये सिलेक्शन प्रक्रिया इंदिरा जी और अजय गौतम की प्लीज एक मिनट शास्त्र में कहीं है ही नहीं। बिल्कुल अजय गौतम जी अजय गौतम जी काम करते हैं जनता को समाज को आप जो सवाल उठा रही हैं उसका जवाब चितरंजन सरस्वती जी देना चाहेंगे। चितरंजन जी प्लीज करके दासी बनाना चाहते हैं। चितरंजन जी आप जवाब दें। इंद्र अभी जो त्रिकाल भवंता जी ने कहा महिलाओं को एक एक प्लीज अजय गौतम जी आप धमकी ना दें प्लीज। अजय गौतम जी धमकी मत दीजिए ये गलत है आप धमकी नहीं दे सकते। आप प्लीज चुप रहिए प्लीज एक मिनट जी। चितरंजन सरस्वती जी अभी त्रिकाल भवंता जी ने बुनियादी सवाल उठाया सबसे पहला तो महिलाओं के पवित्र और अपवित्र होने के मामले पर और दूसरा कि महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है किसी भी मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं हो सकता। और त्रिकाल भवंता जी खुद एक बहुत बड़ी धार्मिक हस्ती हैं। मैं चाहता हूं कि आप उसका जवाब दें। मेरी त्रिकाल भवंता जी आदरणीय है शंकराचार्य जी हैं मैं उनको नमन करती हूँ लेकिन एक बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ मैं त्रिकाल भवंता जी से। त्रिकाल भवंता जी इस महिलावाद ने हिंदू महिलाओं को जिस पतन के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है आज आवश्यकता है कि आप और हम मिलकर उनको सदगति की तरफ लेकर जाएं ना कि इस झूठे महिलावाद में। ये फेमिनिज्म की आवाज तब कभी नहीं उठती है जब सड़कों पर जेहादी इस्लामिक जेहादी हमारी बेटियों के बलात्कार करते हैं। आप इसे धार्मिक तर्क आप इसे धार्मिक आधार दीजिए मैं समझूंगा लेकिन ये कोई धार्मिक तार्किक आधार नहीं है। आप तार्किक और धार्मिक आधार दीजिए। अजय जी छद्म धमकी है इंदिरा जी आप ही बोल लीजिए छद्म धमकी है। अच्छा प्लीज प्लीज रेखा अग्रवाल जी कम से कम कोई धार्मिक आधार अभी नहीं बनता दिखाई दे रहा जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि 10 से लेकर 50 साल की उम्र तक अजय गौतम जी आप महिलाएं अपवित्र हो जाती है। मुझे ये बताइए कि इस तरह की बातों को आगे बढ़ाना क्या नहीं है। साल की परंपरा रेखा अग्रवाल जी एक सेकंड में खत्म कर देते हैं। परंपराएं जब कानून के जो देश के विकास रेखा अग्रवाल जी प्रेस पासिंग कर क्या कानूनन कैसे चलेगा ये आप जी। रेखा अग्रवाल जी प्लीज जी व्यवस्था कैसे प्लीज प्लीज जरा रेखा अग्रवाल जी को सुनिए एक मिनट प्लीज आप दोनों से आग्रह है प्लीज जी। रेखा अग्रवाल जी नहीं अजय गौतम जी प्लीज एक मिनट जी। अजय गौतम जी मुझे बार बार टोकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए प्लीज जरा थोड़ा सा धीरज रखिए जी। रेखा अग्रवाल जी
अजय जी बहुत स्पष्ट बात है कि 10 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं होती है जिनका मासिक धर्म होता है उनको ये कह के अपवित्र कह के उनको मंदिर के एंट्री में वर्जित कर देना, इसमें ना तो कोई तरह का तुक है ना कोई तरह का, इसके अंदर कोई लीगैलिटी है, इसके अंदर कोई भी कानूनी वैधता नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल फंक्शन है जिसको इंदिरा जी ने भी कहा। तो अगर ये कहना कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि ये आप 10 से 50 साल की जो महिलाएं होती है वो अपवित्र हो जाती है और ये आधार है महिलाओं को रोकने के लिए, ये संविधान की कसौटी के ऊपर कहीं पर खरी नहीं उतरती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बल्कि मैं अगर यहाँ पे आर्टिकल 15 के ऊपर सबका जो चाहती हूँ कि उसको नोटिस करें कि संविधान की जो आर्टिकल 14 है जहाँ पर एक तरफ बराबरी का दर्जा देती है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, साथ आर्टिकल 15(3) और (4) के तहत ये भी लिखा है कि महिलाओं के साथ कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए सिर्फ क्योंकि वो महिलाएं हैं, और साथ साथ आर्टिकल 15(4) में लिखा हुआ है कि महिलाओं को दर्जा उठाने के लिए अगर सरकार को कोई भी तरह के ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे महिलाओं को जो उनका दर्जा है वो ऊपर उठे तो वो भी सरकार को अलाउड है संविधान के तहत। तो उसी दिशा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का दर्जा जो है आर्टिकल 15(4) के तहत 15(3) के तहत उसको खत्म किया है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है गैर कानूनी है, तो 15(4) के तहत महिलाओं का जो दर्जा है उसको ऊपर उठाया है। तो ये कहना कि 10 से 50 साल की महिलाएं जो है वो सबरीमाला के उस पर्टिकुलर मंदिर के अंदर नहीं जाएंगी क्योंकि भगवान अय्यप्पा ने वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, ये बिल्कुल गैर कानूनी बात है, तर्क संगत नहीं है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अधर्म की बात करते रहते हैं और अधर्म के सहारे आप धर्म की बात करते हैं। त्रिकाल भवन गीता जी, अब मैं वापस आप ही के पास आता हूँ क्योंकि आज सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपनी जबान खोलना चाहते हैं, लेकिन संघ परिवार का दो बयान था जो मैंने अभी आपके सामने रखा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संघ परिवार आज एक आधुनिक भारत के निर्माण में सहयोगी होना चाहता है या रूढ़िवाद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जन भावनाओं को तथाकथित तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। गीता जी, 2019 का जनरल इलेक्शन एड्रेस किया जा रहा है, बस देखिए जी, विषय ऐसा है कि देखिए हमें आधुनिकता अरे इंदिरा जी प्लीज बात कर लेने दीजिए। देखिए आपने आधुनिकता को हमें अपनाना है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और उसके लिए हमेशा संघ परिवार हमेशा प्रयत्नशील रहा है, लेकिन सिर्फ कहना इतना है कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं, मतलब जिनके लिए ये निर्णय आया है, जो महिलाएं हैं जो कि वहाँ पूजा अर्चना करती हैं, जो भगवान अय्यप्पा को मानती हैं, उन महिलाओं का क्या इसमें विचार है, वो क्या सोचती है, उनका जो एक सामंजस्य इसमें बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों को बाकी महिलाओं पर इतना है, बाकी ये कहीं किसी ने नहीं कहा कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आया है निर्णय इस पर नहीं लगा दी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें की पुरुषों को कर रहा है वर्जित है, उनके वहाँ पे चल रहा हूँ ईश्वर वाले, ऐसे पुष्कर का मंदिर है, ऐसे ही आप देख लीजिए कामाख्या मंदिर है, उसे कुछ भी पुरुषों को नहीं जाया जा रहा, वहाँ तो मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी ऐसे तो जो ये बात बार बार यहाँ कही जा रही है कि मेंस्ट्रुएशन को लेकर महिलाओं को जो है तुच्छ नजर से देखा जा रहा है, वो तो गलत है क्योंकि कामाख्या मंदिर में भगवान उसका पूजन होता है, कार्यक्रम होता है और उसमें पुरुषों को नहीं आमंत्रित किया जाता। तो और ऐसे बहुत से मंदिर हैं तो क्या ऐसे सभी मंदिरों में वो इस तरह की बातें रखी गई है, उनको फिर से गीताजी लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे और ये सवाल आप इसे कुतर्क समझ सकती हैं, लेकिन ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि आवश्यक है।
जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ऊपर बहस चल रही थी, उस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड्स ने मिलकर 10 लाख मुस्लिम महिलाओं के हस्ताक्षर जुटाए थे और कहा था कि ये इंस्टेंट ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के हक में है। हम सब ने उस समय इसका तिरस्कार किया था और हम सब लोगों ने कहा था कि ये महिलाओं के ऊपर जोर जबरदस्ती है और उस समय संघ परिवार के लोग भी इसका समर्थन कर रहे थे कि हम इस तरह से महिलाओं के साथ अपराध नहीं हो सकता। मैं यही सवाल आज आपके पास रखना चाहता हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। इंदिरा जी जी, मैं सिर्फ यही आपसे सवाल रखना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिलाओं को आधार बनाकर क्यों फैसले को बदलने की कोशिश की जा रही है? जी प्लीज बताइए जी। मैं दो बातें उसमें और जोड़ना चाहूंगी। जी जोड़िए। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूंगी। मैं दो बातें, ये पहली बात तो ये कि उस समय भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की ने भी ऐसा ही एक हस्ताक्षर कैंपेन चलाया था जिसमें कि उन्होंने 50,000 हस्ताक्षर किए थे और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उसमें दो राय नहीं करती। और एक उदाहरण मैं और भी आपको देना चाहूंगी, जब विधवा पुनर्विवाह की बात हुई थी 1856 में, तब ईश्वर चंद विद्यासागर वो मात्र 900 कुछ हस्ताक्षर जुटा पाए थे महिला पुनर्विवाह के समर्थन में, लेकिन वही राधा कर लिया, वही स्थिति आज भी है, हस्ताक्षर उसके विरोध में स्थिति आज भी है, लेकिन 900 नहीं, एक तो दोनों ही समाज के दोनों लोग उसके पक्ष में है। पुनर्विवाह की स्थिति थी वो थी आपके मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए, महिला समाज में उसका जो रोजमर्रा का जीवन है वो उसको प्रभावित करती थी, वो मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए। ये मौलिक अधिकार नहीं है, जो तीन तलाक है वो मौलिक अधिकार नहीं है। ये मौलिक अधिकार नहीं है, लॉर्ड अप्पा का मौलिक अधिकार पहले है, यहाँ लॉर्ड अप्पा का मौलिक अधिकार पहले है, यहाँ सभी इलाके लोगों के मौलिक अधिकार पहले है, वहाँ का लोकाचार पहले है, करना उनका मौलिक अधिकार नहीं है, भगवान के पास उनका रहने का मौलिक अधिकार नहीं है, यह सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, सिर्फ पुरुष का ही अधिकार है कि भगवान को वही प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के नजदीक रहने की महिलाओं का अधिकार नहीं है। अरे भगवान से दूर करोगे इससे बड़ा और क्या पाप कर सकते हो? मौलिक अधिकार भगवान अयप्पा का जो साबरीमला में बैठे हैं उनका क्या मौलिक अधिकार है? और दूसरी बात एक मैं और बता दूं, माननीय न्यायालय ये मानता है हर कण में भगवान है, हर कण में नहीं, कण कण में भगवान है, हर कण में नहीं है, शंकर कण कण शंकर है, लेकिन हर कण आपको एक मिनट का वक्त देता हूँ, मेरे पास वक्त कम है, मैं एक छोटा सवाल पूछूंगा जी। एक मिनट अजय गौतम जी, आपने कहा कि कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पुरुषों को जाने की इजाजत नहीं है, आप केस क्यों नहीं करते जनाब? महिलाओं के लिए मैं जाना चाहता हूँ, हम महिलाओं के अधिकार, आप महिलाओं छोड़िए, आप पुरुषों की बात, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, पीनल कोड में 5 सेक्शन फालतू है, हम शांत रहे, आपको मिनिस्ट्री फालतू मिली, हम प्रदान करते हैं, आपको कमीशन फालतू मिला, प्रणाम करते हैं, आपको स्पेशल एक्ट मिला, हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। मुद्दे पर ही महिलाओं को दबाने के लिए धर्म पढ़ा है। अरे धर्म को समझते हो, धर्म क्या है? मनमानी करना धर्म नहीं है। अपने बुजुर्गों की मत मानो, अपने ऋषियों की मत मानो, अपने साधुओं की मत मानो। सिर्फ 30-30 सेकंड में अपने जवाब हमारे सामने रखें। रेखा जी मैं शुरुआत आपसे करता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड प्लीज। हमारे संत महात्मा, मेरे पास बहुत वक्त कम है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ अपनी आखिरी टिप्पणी के लिए 30 सेकंड का वक्त लें। रेखा जी सबसे पहले, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर पुनर्विचार होना चाहिए, हाँ या ना? प्लीज अजय जी प्लीज, अजय जी रेखा जी नहीं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल तर्कसंगत है और ना उसके अंदर संविधान की सारी धाराओं को चैलेंज हो जाएगा, सेट असाइड हो जाएगा, पुनर्विचार की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। चलिए गीता जी, पुनर्विचार होना चाहिए हाँ या ना? देखिए सर,
देखिए वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय महिलाएं हैं, जो सच में वहाँ पूजा अर्चना करने जाती हैं, उनकी उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, स्थानीय होता है, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए, ये आवश्यक है। और दूसरी बात ये है कि अरे इंदिरा जी 30 सेकंड मिले, बोल लेने दीजिए। और जो पुनर्विचार याचिका दायर हो, संघ का ये कहना है, ये बात है, ऑर्डिनेंस को सेटिसफाइड करना चाहिए। गौतम जी, वहाँ का समाज चाहता है, वहाँ का समाज ये चाहता है, संघ क्या चाहता है? मैंने स्पष्ट आपसे पूछा, संघ क्या चाहता है? जिहादी प्रवृत्ति के लोगों की, संघ क्या चाहता है? इंदिरा गीता जी, संघ क्या चाहता है? संघ क्या चाहता है? भ्रूण हत्या थी, हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। देखिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, संघ यही चाहता है कि जो वहाँ के, नहीं आप जवाब नहीं देना चाह रही, उनकी भावनाओं को भी, गीता जी आप जवाब नहीं देना चाह रही क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल मामला है। इंदिरा जी 30 सेकंड आपके पुनर्विचार याचिका पर होना चाहिए बात या नहीं होनी चाहिए? बहुत मुलायम करूंगी, एरी सखी मंगल गौरी आज चौक पुरावरी, आज महिला का हुआ है सम्मान। और आप क्या कहेंगे चंद्रन सरस्वती जी? देखिए मैं महिला होने के नाते, अजय जी एक सेकंड बस जी, मैं महिला होने के नाते मैंने अपना सारा जीवन सार्वजनिक रूप से बिताया जी, मैंने कहीं ये नहीं देखा कि महिला के साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है, जहां दुर्व्यवहार होता है आपको उसके लगता लिए है कि नहीं होना चाहिए? मेरे पास वक्त नहीं है, समय में बिल्कुल पुनर्विचार होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका, जाहिर सी बात है अलग अलग विचार अलग अलग मत, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और उस पर पुनर्विचार होता भी है तो ये कोर्ट का ही मसला होगा। बड़ा सवाल में आज के लिए बस इतना ही, लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। चूने का आरोप लगाया।